हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशबू रंजन और आप सभी को जय गुरु। तो ये देखिए, मॉर्निंग टक का टाइम है और मैं यहाँ बेटी के लिए लंच बना रही हूँ। बेटी के लिए क्या, सबके लिए ही नाश्ता बना रही हूँ। तो मेरा नाश्ता ही नहीं, मेरा ये समझिए कि लंच हो गया सबका। क्योंकि ये छोले और पूरी काफ़ी हैवी हो जाते हैं ना, तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोले और पूरी। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसके स्कूल में आज आज पार्टी था। कौन सा पार्टी था बेटा? हाँ, गार्डन पार्टी था। तो उसके लिए मैं यहाँ देखे छोला काबुली चना रात को ही भिगो के रख दी थी। तो मैं देखी आज काबुली चना और दो आलू को उबाल ली हूँ और सेम कुकर को वॉश करके उसी कुकर में मैं, और मैं सुबह के टाइम में थोड़ा काफ़ी जल्दी में ही रहती हूँ क्योंकि इधर और ऐसा था कि SS के पापा रहते हैं ना, तो वो तैयार कर देते हैं बेटी को। लेकिन क्या था, आज वो नहीं थे तो मुझे उधर भी इसे देखना भी था और इधर भी मैं बना भी रही थी लंच का। और फिर बीच में ऐसा हुआ, और इसमें कढ़ाई में कुकर में देखिए हम तेल और जीरा हींग ये सब डाल दिए हैं। तो यहाँ खड़ा गरम मसाला यानी साबुत गरम मसाला भी डाल देंगे और मिर्च और दो तेज पत्ता भी डाल देंगे। तो इधर मैं बना भी रही थी और बेटी को नहला चुकी हूँ इस टाइम, और नहला करने के बाद उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना दिया। तो पहनाने के बाद फिर मैं इधर वापस किचन में आ गई ये बना छोला बनाने के लिए, क्योंकि छोला उबालने के लिए मैं रख दी थी सुबह में। और फिर छोला उबालने के बाद मतलब उबालने के लिए रखने के बाद मैं फिर आटा गूँनी। आटा गूँनने के बाद फिर बाबू को ब्रश कराया, नहलाया उसे, तब तक इधर सीटी भी दे दिया। सीटी दे के गैस में निकल गया। उसके बाद फिर मैं इसको छोले को बना रही हूँ। तो और बेटी को जब यूनिफॉर्म पहना दिया, फिर इसके पापा आ गए, वो दूध लेने गए थे तो वो आ गए। उसके बाद मुझसे बोले कि इसे यूनिफॉर्म पहना दिए हैं, इसके स्कूल में आज यूनिफॉर्म नहीं है, फैंसी ड्रेस मतलब कुछ भी ट्रेडिशनल टाइप का ड्रेस पहनाइए। फिर मैं बोली यार पहले बताना था ना कि उसके लिए मैसेज उन्हीं के मोबाइल में आता है। तो मैं उसके बाद फिर मुझे फिर से चेंज करना पड़ा उसे, और आज उसको देना है मिठाई छोला पूरी। तो मिठाई भी रात को ही ले आए थे। तो मैं यहाँ जल्दी से छोला बना रही हूँ, और आलू भी मतलब कल ट्यूसडे था तो आलू भी सब्जी भी आया था। तो आलू मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये पता नहीं कैसा आलू था। और तो इसमें देखिए हम छोला डाल दिए हैं, नमक डाल देते हैं, और जो भी मसाले जो डेली वेयर में हो, जो आप लोग तो देखते ही मसाले डालते हुए मुझे, तो वो सब मसाले डाल देते हैं। और इसमें मुझसे एक गलती हुई क्या कि मैं जल्दी में, क्योंकि मेरा ध्यान किचन में नहीं था, मेरा ध्यान उस पर था, और उसको बीच में मैं कुछ खाने मतलब दूध भी गर्म करके उसको ठंडा करके दूध भी दिया हॉर्लिक्स डाल करके। और तो इसमें मैं टमाटर नहीं डाली छोला में, मैं भूल गई। लेकिन फिर भी छोला बहुत टेस्टी बना था बिना टमाटर का भी, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर दिए थे तो काफ़ी अच्छा बन गया था। तो बीच बीच में मुझे उधर भी भाग के जाना पड़ता है बेटी के पास, इधर भी किचन में भी, यानी कुछ अलग होता है ना, जैसे यूनिफॉर्म पहना दिया फिर से उसको चेंज करो, तो काम तो बढ़ ही रहा है ना मेरा। तो वैसे हस्बैंड भी सुबह हेल्प करा देते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं हेल्प करा रहे हैं, तो उनको भी लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। तो अपना वो आए दूध लेकर के जल्दी से नहा के वो भी चले गए ऑफिस। तो फिर यहाँ देखिए सारा जो भी मसाला मैं डेली डालती हूँ आप लोग को तो पता ही है। तो ये सब डालने के बाद मैं इसे पानी डाल दी हूँ, कुकर को बंद कर दूँगी। और बंद करने के बाद फिर पूड़ी बना लूँगी। पानी तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो इधर देखिए मेरे दूध भी चढ़ा हुआ है, दूध उबल रहा है। तो एक कुकर सेट कर दिए हैं, और
और देखिए सीटी भी यानी सीटी दिया था, सीटी भी निकल गया है। अब इसको मिला देंगे छोला को अच्छे से। और देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है पूरी बनाने के लिए, कुकर खोल देंगे तो क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाए, एकदम से गर्म है अभी ना। ये देखिए कसूरी मेथी और धनिया पत्ता भी हम नहीं डाले हैं इसमें, क्योंकि ये सब आराम से बना, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम में बनाइए तो थोड़ा सब कुछ डाल करके बनाइए आराम से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था। सुबह में थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाना होता है ना। अब पूरी, अब देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है और मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ और मैं पूरी अब तलूँगी। यहाँ देखिए अच्छे से काउंटर टॉप साफ कर लेती हूँ। और मैं यहाँ चेक कर रही थी कि कढ़ाई गर्म हुआ कि नहीं, लेकिन कढ़ाई अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ था। और क्या होता है ना कि अगर जल्दी में आप कुछ कीजिए तो और लेट होता है उस काम में, तो कढ़ाई गर्म नहीं हुआ था अच्छे से और हमने पूरी भी डाल दिया इसमें। तो उधर देखिए मेरा दूध उबल गया था तो उस दूध को हम ढक दिए हैं, तो इसलिए वो पूरी थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। अच्छा क्या मतलब, हम लोग को थोड़ा रेड कलर का हो जाता है ना पूरी तो ही अच्छा लगता है खाने में, वाइट कलर का पूरी हम लोग नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें रेडनेस आ जाता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो बिटिया रानी को तैयार कर दिए हैं, बस टिफिन बना करके पैक करेंगे और उसे स्कूल ले जाएंगे छोड़ने के लिए। तो देखिए मैं पूरी बना रही हूँ, और मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ। मेरी बिटिया रानी तो आवाज़ सुन कर दीजिए। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारा पूरी तो नहीं बनाऊंगी, बस दो तीन पूरी बस बेटी को ले जाने के लिए, और एक पूरी एक्स्ट्रा भी बना ली कि छोटी बेटी अगर अभी वो सो रही है उठेगी तो उसे वो भी खा लेगी। एक्चुअली उसे वो सो रही थी, मुझे लगा कि अभी तक नहीं उठी लेकिन वो सो रही थी इसलिए कि उसकी बहुत तेज तबीयत खराब हो गई है। ठीक है करो सबको, हाँ चलो बोलो, मैं स्कूल चल रही हूँ, आप लोग भी चलिए स्कूल, चल रही हूँ आप लोग चलो। हाँ दिखो दिखो इधर सब, उससे पूछो कि अच्छी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ मैं। ठीक है चलो फ्रेंड्स, मेरी छोटी बेटी को बहुत तेज जुकाम हो गया और यहाँ पे देखिए मैं इसे स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो मेरी गुड़िया रानी रेडी होके स्कूल जा रही है और इसके हाथ में चश्मा भी है देख लीजिए आप लोग, और एकदम हीरोइन बन के स्कूल जा रही है हंसते हुए। चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं खुशबू रंजन, आप सभी को जय गुरु। और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ रात में, रात के 8:30 हो रहे हैं, मैं अपनी गुड़िया रानी को सुला रही हूँ, छोटी गुड़िया को खली आ रही है क्लीप, एप्पल क्लीप। इसकी बहुत तेज तबीयत खराब हो गई है, इसे बहुत मतलब सुबह उठी तो इतना तेज जुकाम हो गया था, इतना ज़्यादा कि मैं बता रही हूँ फर्स्ट टाइम इसे ऐसा हुआ।
इसकी नाक से भी पूरा पानी निकल रहा था, आँख से, और एकदम से परेशान। आज खाना भी कुछ नहीं खाया इसने। तो जिस टाइम में आप लोग से मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये उस टाइम तक नहीं उठी थी। मैं 2-3 बार आकर के चेक की, मुझे लगा कि इतना लेट तक क्यों सो रही है। तो फिर मुझे भी सुबह काम होता है ना, बेटी को स्कूल, बड़ी वाली वो स्कूल जाती है तो उसे भी देखना होता है, तो इस वजह से इसे मैं नहीं इस पर ध्यान दी कि। फिर जब ये उठी तो इसका देखे कि बुरा हालत है, तो इस वजह से फिर हम मतलब मैं आप लोग से नहीं मिली, बातें नहीं की। फिर अब सोची कि चलो अब नाइट का टाइम हो गया तो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, और बस अब मेरा अब सारा काम हो गया है और बस सोने की तैयारी है। ऐसा तभी सोएंगे नहीं, थोड़ा मोबाइल में कुछ कुछ काम है उसको करेंगे, उसके बाद ही सोएंगे, और गुड़िया रानी को भी सुला देंगे। बड़ी वाली सो गई है, छोटी वाली को सुलाएंगे। देखिए आप लोग अभी इसको मालिश किए हैं, देखिए इसके सर की भी मालिश किए। देखिए हाँ, तेल मेरे हाथ में लग गया। इसके सर के भी मालिश किए, इसकी पूरे बॉडी की मालिश किए गरम तेल से ना बेटा जी। देखो हाँ, और हाँ। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और मेरा तो कंडीशन जाने की, जब मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया, छोटा का ना बेटा हाँ। जो आप लोग से इतना बातें करती है उसी का तबीयत खराब हो गया। तो चलिए कोई नहीं, ठीक हो जाएगी ना सना। ठीक हो जाएगी ना, जल्दी ठीक हो जाओ ना, आपके भी नंबर मिला। देखो दीदी का टैडी, दीदी का टैडी, आपका टैडी, मेरा टैडी सो गया। कहाँ सोया? ये सो गया, सो गया इसका टैडी भाई। ये नहीं सुबह दिखाएगी टैडी को, इसको ले डाल रही है। ठीक है, सो जाओ सो जाओ, आप सो जाओ, अपनी बातें करो। सो फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग से सारा कुछ शेयर करते हैं, तो इतना तो सपोर्ट कीजिए मेरा। और अगर और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय 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 बाय।